हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने बेसिकली एंगल्स के डेफिनेशन और उसके यूनिट्स मतलब कि डिग्री और रेडियन के बारे में बात की थी। अब हम आगे की बातें करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो देखिए, इसके इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूं जो कि हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ी है, लेकिन हमने कभी भी उनके डेप्थ में विचार नहीं किया है कि ये चीजें हो क्यों रही है। जैसे कि हमने जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ी है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल हमने कुछ इस तरीके से देखा था, ये ट्रायंगल था ठीक, जिसमें ये था 90 डिग्री, उसके बाद इसको हमने लिया थीटा, तो इसको हमने बोला था परपेंडिकुलर, इसको बोला था बेस और इसको बोला था हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और क्या बोला था हमने, बोला क्या था, ये तो होता ही है, मतलब कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब एक और इसकी खासियत क्या होती है कि हाइपोटन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, हाइपोटन्यूज मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि अभी इसको यूज करेंगे हम आगे। हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देखे थे, जैसे कि हमने साइन 30 की वैल्यू देखी थी 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारी वैल्यू देखी थी, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, और सारे फंक्शन की देखी थी। ठीक है, तो इनका मतलब क्या था, इनका मतलब था जैसे कि ये 1/2 है, मतलब कि ये है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटन्यूज। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो 1/2 है, मतलब अगर परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है तो हाइपोटन्यूज की 2 है, अगर परपेंडिकुलर की लेंथ 2 है तो हाइपोटन्यूज की 4 है, अगर परपेंडिकुलर की लेंथ 10 है तो हाइपोटन्यूज की 20 है। इसका बेसिकली मतलब ये था। ठीक है, लेकिन देखिए, हमने साइन 0 डिग्री भी पढ़ा था, साइन 0 डिग्री हमने 0 लिखा था। तो अगर हम इस डेफिनेशन से चलें कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है, तो ये पी बाई एच के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से देखिए, अगर पी बाई एच 0 के इक्वल है तो यहां से तो पी की वैल्यू 0 आ रही है, पी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया, अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया मतलब ये पॉइंट यहां मिल जाएगा, अगर ये पॉइंट यहां मिल गया तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये तो ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। तो फिर ये वैल्यू हमने 0 डिग्री लिखी कैसे, ये आई कैसे, जब ये ट्रायंगल रहा ही नहीं तो फिर हमने ट्रायंगल के लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे लिखी, यहां पर ये सवाल उठता है। ठीक है, तो ये हम यहां पर जानेंगे आगे, क्योंकि अब हम यहां पर रियल डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 लिखी थी, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू अगर हम 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1, मतलब कि परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये इसको चैलेंज कर रहा है, इस लाइन को, यहां क्या लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज ही है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, अगर हमने 1 रख दी 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक, तो ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, यानी कि परपेंडिकुलर भी लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहां पर फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है, कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक क्या है, मतलब कि कहाँ क्या कमी है, डेफिनेशन में क्या कमी है, क्योंकि हमें जो डेफिनेशन बताई है वो उस ट्रायंगल के लिए बताई है। ठीक है, तो इस रियल डेफिनेशन को हम यहाँ पर जानेंगे, क्लियर। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट आएगा, अब आपको रियल डेफिनेशन पता चलेगी। उसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी थी कि ये -1 से 1 के बीच में होती है, ये भी हमने 10th में पढ़ी है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 में वेरी करती है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर -1 से 1 में ये वेरी करती है तो मतलब साइन थीटा, मतलब ऐसा थीटा भी होगा जिसके साइन की वैल्यू -1 होगी, यस ऐसा थीटा भी होगा, लेकिन ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी कैसे भाई, अगर ये रेशियो ही है साइड का तो ये तो साइड की लेंथ ही है भाई, यहाँ पर पी और एच क्या है, साइड की लेंथ है। तो अगर ये पी बाई एच के इक्वल हम लिखेंगे तो अब ये लेंथ नेगेटिव कैसे होगी, ये वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है, यहाँ पर ये सवाल उठता है। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब अब आपको मिलेंगे। ठीक, ऐसे हमने कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी कि ये भी -1 से 1 के बीच में होती है, मतलब कॉस थीटा भी नेगेटिव हो सकता है, बट कैसे, हाउ वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज, यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि हाउ वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज, यहां पर ये सवाल उठ रहा है, और यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि आपने साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे लिखी,
और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 कैसे लिखी। ठीक ऐसे ही कोस 0 डिग्री की वैल्यू भी हमने 1 लिखी थी और कोस 90 डिग्री की वैल्यू भी हमने 0 लिखी थी। तो ये 0 और 1 वैल्यू आ कैसे रही है और ये नेगेटिव वैल्यू आ कैसे रही है, ये यहाँ पर सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको अब मिलेंगे। कैसे? जब मैं आपको रियल डेफिनेशन बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अब हम बात करते हैं रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी एक सर्कल पर होती है। कैसे? देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ये पूरी एक सर्कल पर होती है, जैसे कि सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है आर। ठीक, इसकी रेडियस है आर, और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस अगर ए है और इसकी लेंथ अगर बी है, ठीक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? ए कोमा बी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी। क्लियर? और इस ये एंगल अगर मैं एक्स बोलूं, तो अब देखिए जो डेफिनेशन हमने टेंथ में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए साइन एक्स क्या होगा। साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है? बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस, बी बाई आर। ठीक, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बाई आर। ठीक, ये डेफिनेशन आपको टेंथ में बताई गई थी, लेकिन इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे। कैसे? देखिए ये बी क्या है? ये बी है वाई कोऑर्डिनेट, और ए क्या है? ए है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसकी जो रियल डेफिनेशन होती है साइन एक्स और कोस एक्स की वो ये होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ठीक, और कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ये साइन और कोस की रियल डेफिनेशन होती है, और यहीं से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलता है, जैसे कि साइन अपॉन कोस करेंगे तो टेन आ जाएगा, उसके बाद कॉट सेक कोसेक वो सब इनसे निकल सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे मेन फंक्शन है। ठीक है, और इनकी जो रियल डेफिनेशन है वो ये है। क्लियर, अब इस डेफिनेशन से आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्लियर, तब मैं फिर से आगे एक और सर्कल बना रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इस रेडियस को ले लेंगे 1। ठीक है, ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो। क्लियर, तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम आगे की चीजें समझते हैं। अब ये देखिए फिर से एक और सर्कल लिया हमने, अब इसके रेडियस को मैं कर रहा हूं 1। ठीक है, ये यूनिट सर्कल है ताकि हमको चीजों को समझने में आसानी हो। ये रेडियस कितनी है मेरे पास? 1 है। ठीक है, और ये एंगल हो गया हमारा एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये लेंथ 1 है, अगर ये लेंथ 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 1, 0। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए, ओके, और ये हमारा ओरिजिन है, ओके। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये लेंथ 1 है तो ये हो जाएगा -1, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, -1। ये हो गया। अब देखिए सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए कोमा बी। क्लियर, सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए कोमा बी। तो अब जो मैंने आपको रियल डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए साइन एक्स क्या होगा। साइन एक्स होगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ठीक, साइन एक्स क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? बी, तो बी और आर क्या है? 1। तो साइन एक्स कितना हो गया हमारे पास? बी। ऐसे ही कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स की डेफिनेशन क्या थी? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए है। ठीक है, और आर क्या है? 1। तो कॉस एक्स क्या हो गया हमारे पास? ए, यानी कि ए कोमा बी क्या हो गए? ए कोमा बी हो गए हमारे कॉस एक्स और साइन एक्स। ए कोमा बी क्या हो गए? कॉस एक्स और साइन एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्कल का हर एक पॉइंट हमको इन फंक्शन की वैल्यू देगा। कैसे? जिसकि समझिए, सपोज ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है और मैंने एक पॉइंट ले लिया इस सर्कल पर, यहां पर, ठीक, यहां पर ले लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने बोल दिया 1/2, √3/2। ठीक, और ये एंगल यहां पर सपोज एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये जो 1/2 है ये वैल्यू है कॉस एक्स की, और √3/2 है ये वैल्यू है साइन एक्स की। इसका सिंपली मतलब ये है। ठीक है, ऐसे अगर ये पॉइंट सपोज हमने यहां ले लिया,
अगर ये पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया तो देखिए क्या होगा, सपोज हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ओके, और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया इस तरीके से, और सपोज ये एंगल अब हो गया हमारा वाई, ठीक। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमको किसकी वैल्यू देंगे, वो हमको वैल्यू देंगे कॉस वाई और साइन वाई की, ठीक है। ऐसे हम किसी भी एंगल पर कोई भी पॉइंट ले आकर तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको उस एंगल पर कॉस और साइन की वैल्यू दे देंगे। जैसे कि और देखिए, सपोज हमने अब जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। अगर यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ ओरिजिन से मिलाया तो अब ये एंगल सपोज मेरा जेड बना, ठीक। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, कॉस जेड और साइन जेड, ठीक। तो ये रियल डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये पूरी सर्कल पर घूमती है, सर्कल का हर एक पॉइंट हमको साइन और कॉस की वैल्यू देता है, ठीक है। कोई भी अगर हम पॉइंट लें और उसको ओरिजिन से मिला दें, कोई भी अगर हम पॉइंट लें और उसको ओरिजिन से मिला दें तो जो एंगल बन रहा है उस एंगल के साइन और कॉस की वैल्यू कौन देता है, उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हुई डेफिनेशन। चलिए अब देखिए, अब हमको इस सर्कल पर, इस यूनिट सर्कल पर इन चार पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1.0, इसका है 0.1, इसका है -1.0 और इसका है 0.-1, ठीक है। तो अभी जो हम ये पॉइंट फिरा रहे थे अलग अलग जगह, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको देखिए यहाँ पर ये चारों कोऑर्डिनेट पता है, तो अब हम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मतलब इस पॉइंट को यहाँ मिलाने पर जो एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को यहाँ मिलाने पर जो एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को यहाँ मिलाने पर जो एंगल बन रहा है और इस पॉइंट को यहाँ मिलाने पर जो एंगल बन रहा है, उस एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए केस वन ले रहे हैं हम, जब हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तो जब हमारा पॉइंट यहां पर होगा, ये पॉइंट जब यहां पर आ जाएगा तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक। एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखिएगा ध्यान से, केस नंबर वन, जब एक्स 0 हो गया, ठीक, इस एक्स की बात कर रहा हूं मैं, जब एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो देखिए जब एक्स 0 हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, पहले वो देखिए, जब एक्स 0 हो गया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये हमारा ओ पॉइंट, और इसको अगर हम ए पॉइंट बोले यहां पर, तो ये ए पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया, ठीक। इस ए को मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, और मैंने एक्स को 0 कर दिया तो ये ए पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया, मतलब ये यहां पर आ गया, क्लियर। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1.0, ओके। अब देखिए एंगल 0 है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमको कौन सी वैल्यू देंगे, वो हमको वैल्यू देंगे कॉस 0 और साइन 0 की, ठीक, कॉस 0 और साइन 0 की। और वो वैल्यूज क्या दी हुई है, कोऑर्डिनेट क्या है वो हमको पता है, 1 और 0, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 है और साइन 0 की वैल्यू 0 है। ये वैल्यूज यहां से आ रही है। अब आया आपको समझ में कि कॉस 0 1 कैसे आ रहा है और साइन 0 0 कैसे आ रहा है, वो यहां से आ रहा है, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1 और साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, क्लियर। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं, अब हम इस पॉइंट को ए को उठाकर यहां पर ले जा रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा केस टू, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो एंगल एक्स एक्सिस से कितना बनेगा, π/2, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। तो जब एक्स इज इक्वल टू π/2 है तो ये सर्कल पर कैसा दिखेगा, ये सर्कल पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सर्कल और ये ओरिजिन था और ए पॉइंट उठकर यहां पर आ गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0.1, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0.1। तो ये जो पॉइंट है ये किसकी वैल्यू हमको दे रहे हैं, ये एंगल कितना है, π/2। अगर ये एंगल π/2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको कौन सी वैल्यूज देंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको cos π/2 और sin π/2 की वैल्यूज देंगे। यानी कि cos π/2 कितना हो गया, 0 और sin π/2 कितना हो गया, 1। तो ये वैल्यूज यहां से आ रही थी, ठीक है। cos π/2 कितना हो गया, 0 और sin π/2 कितना हो गया, 1, क्लियर। ऐसे ही अब देखिए, अब इस पॉइंट को उठाकर यहां पर ला रहे हैं, तो यहां पर लाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, केस नंबर थ्री, जब x हमारा क्या हो जाए, देखिए जब ये पॉइंट यहां आ गया तो अब ये पूरा एंगल कितना बनेगा, पाई, मतलब जब x को हमने ले लिया पाई तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिखेगा हमको, देखिए ये हमारा O था यहाँ पर और अब ये A पॉइंट उठकर यहाँ पर आ गया, ये A पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो अब जो ये एंगल बना हमारे पास पाई और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1.0, ठीक है। तो ये -1.0 क्या है, ये
कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू है, क्योंकि अगर ये एंगल अगर पाई है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए कॉस पाई और साइन पाई, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं -1, 0, तो मतलब यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू क्या आई, -1, और साइन पाई की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, पाई मतलब 180 डिग्री, तो हमने 180 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये 180 डिग्री ट्रायंगल से तो निकलेगा ही नहीं, ट्रायंगल के तो तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है, तो वहां से तो हम इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये पूरी सर्कल पर घूमती है। आपने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट के लिए पढ़ी है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ओके। और आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th में वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या किया, यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल को उठाकर आपके सामने रख दिया और आप 0 से पाई बाय 2 में खेल रहे थे वहां पर, ठीक है। लेकिन अब हमको आगे हर एक एंगल के लिए खेलना है, हर एक एंगल के लिए, ठीक है। तो हम इसको सर्कल बनाकर समझ सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब ये ए पॉइंट जो है, अब मैं इसको यहां पर ला रहा हूं, देखिएगा। तो जब मैं इस ए पॉइंट को यहां पर ले आऊंगा तो एंगल कितना बन जाएगा मेरे पास, पाई तो यहां तक बन गया था, पाई बाय 2 और बन जाएगा, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई बाय 2। यानी कि जब मैं एक्स को 3 पाई बाय 2 कर दूं, जब मैं एक्स को 3 पाई बाय 2 कर दूं तो क्या होगा, तो देखिए, तो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ओरिजिन है, ठीक, और ये ए पॉइंट जो है वो अब यहां पर आ गया मेरा, ठीक। और ये एंगल कितना हो गया अब, 3 पाई बाय 2। तो अगर ये एंगल 3 पाई बाय 2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए कॉस 3 पाई बाय 2 कोमा साइन 3 पाई बाय 2। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको ऑलरेडी पता है, वो है 0, -1, ठीक, 0, -1। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है, कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 है, ठीक। तो हमने यहां पर वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, अब मैं इस पॉइंट को, इस ए पॉइंट को अगर वापस यहां पर ले जाऊं तो एंगल कितना बनेगा, एंगल मेरे पास 2 पाई बनेगा, एंगल मेरे पास कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा, ठीक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास cos 2 पाई और sin 2 पाई, ठीक। तो cos 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और sin 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये वैल्यूज इन्हीं के इक्वल आएगी, cos 0 और sin 0 के, क्योंकि पॉइंट तो वही है भाई। जब हमने एंगल 0 डिग्री रखा तब भी पॉइंट यही है, और जब पूरा घुमा के 360 कर देंगे तो भी पॉइंट तो यही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज 0 पर आ रही है वही वैल्यूज 2 पाई पर भी आएगी, वही वैल्यूज अगर हम दो बार रिवॉल्व कर दें इसको तो 4 पाई पर भी आएगी, वही वैल्यूज 6 पाई पर भी आएगी, और वही वैल्यूज 8 पाई पर भी आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आप लिख सकते हो, ये cos 2n पाई के इक्वल है और ये sin 2n पाई के इक्वल है, ठीक है। और इसके बाद जो है सारी वैल्यूज क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। इसके बाद सारी वैल्यूज रिपीट होगी। देखिए अभी हम नोट में समझेंगे आगे, उससे पहले जो भी वैल्यूज हमने लिखी है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर हम टेबल में वैल्यूज लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए साइन 0 और साइन 2 पाई, मैंने अभी आपको बताया दोनों वैल्यू सेम ही होगी, तो दोनों को साथ में लिखा है, ये वैल्यूज होगी 0, ठीक। कॉस 0 और कॉस 2 पाई, इनकी वैल्यू होगी 1, ओके। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 और कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। एक टेबल बनाकर बंद कर सकते हैं इसको, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है अभी और ये बिगड़ जाएगा, तो मैं अभी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप इसको टेबल में बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब तीन नोट में यहां पर लिख रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फर्स्ट नोट में लिख रहा हूं यहां पर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 मेरा क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होगी, तो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा। जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है, ठीक, अगर ये पॉइंट है, ठीक, और इस पॉइंट के लिए एंगल मेरे पास एक्स है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देंगे, ओके। अब देखिए, अब मैं फिर से यही पॉइंट ले रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अब पूरा एक राउंड काट के आ रहा हूं, पूरा एक राउंड काट के मैं वापस यहीं पर आ गया। तो अब जो ये एंगल हुआ ये कितना हो गया, ये एंगल हो गया 2 पाई, यहां तक हो गया 2 पाई प्लस एक्स, तो अब एंगल कितना हो गया, 2 पाई प्लस एक्स। तो देखिए अगर एंगल 2 पाई प्लस एक्स है इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे कॉस 2 पाई प्लस एक्स और साइन 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होंगे। ऐसे अगर मैं दो राउंड काट के फिर से आ जाऊं तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
कॉस 4π प्लस एक्स और साइन 4π प्लस एक्स, ये हुआ। और ये पॉइंट तो सेम ही है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो कॉस 2π प्लस एक्स के इक्वल भी होगी और कॉस 4π एक्स के इक्वल भी होगी और कॉस 6π एक्स के इक्वल भी होगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो ये है कि कॉस 2nπ प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है और साइन 2nπ प्लस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल होता है। इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, ठीक है। मतलब जो वैल्यू x पर आई है वही वैल्यू 2π प्लस एक्स पर भी आएगी, 4π प्लस एक्स पर भी आएगी, 6π प्लस एक्स पर भी आएगी। आप 2π का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए और प्लस एक्स कर दीजिए, उस पर भी वैल्यू cos x के इक्वल ही आएगी, ठीक है। ये चीज हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। जब भी हमको कोई बड़ा एंगल दिया हुआ होगा, जब भी हमको कोई बड़ा एंगल दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2nπ प्लस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसको इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज हमको एक वैल्यू दे दी यहाँ पर कॉस, सपोज जैसे कि हमको वैल्यू दे दी कॉस 405 डिग्री और हमको पूछा कि इसकी वैल्यू बताओ, तो 405 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता ही नहीं है। लेकिन हमको और वैल्यूज पता है, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज तो पता ही है। तो देखिए 405 डिग्री, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 360 डिग्री क्या है, 2π, और 2π प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। मतलब ये cos 45 डिग्री लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। तो इस तरीके से ये एंगल को छोटा करने के काम आता है ये वाला रिलेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इन पर अभी क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया नोट नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट था। अब देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या है, देखिएगा ये अगेन हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। अब देखिए मैं एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, ओके। इस पॉइंट का एंगल भी x है, एक्स एक्सिस से, और इस पॉइंट का एंगल भी एक्स है, लेकिन हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो इसको मैं बोलूंगा माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट के लिए अगर एंगल एक्स है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए अगर एंगल माइनस एक्स है तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉमा साइन ऑफ माइनस एक्स, ये हो गए। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ये जो पॉइंट है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला, और यही कोऑर्डिनेट हमने ये लिखा, ठीक है। मतलब कॉस एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स सेम है, क्योंकि ये जो हमने लिखा ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। यहां पर भी ये जो लिखा ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही तो होगी, बस यहां पर कॉस एक्स लिखा है और यहां पर कॉस ऑफ माइनस एक्स लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल ही होगा, क्लियर। अब देखिए साइन एक्स, साइन एक्स क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये लेंथ, ठीक। इस लेंथ को अगर मैं साइन एक्स बोल रहा हूं तो यही लेंथ यहां पर भी है, क्योंकि एंगल सेम है, तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये भी है। तो अगर इसको मैं साइन एक्स बोल रहा हूं तो क्या मैं इसको माइनस साइन एक्स नहीं बोल सकता भाई, अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ माइनस 2 है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 2 है तो यहां पर कोऑर्डिनेट माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर इसको साइन एक्स लिखा तो क्या मैं इसको माइनस साइन एक्स नहीं लिख सकता, क्लियर। तो देखिए यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया है। यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आया है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है और साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ये दोनों ही बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होंगे, क्लियर। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है जो आप याद रख सकते हो, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, यानी कि हजम कर जाता है। कॉस के अंदर जब भी माइनस दिखेगा ये उसको हजम करके डकार मार लेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल यहां पर देसी अंदाज में लिख रहा हूं, कॉस माइनस को हजम कर जाता है, ठीक, हजम कर जाता है यानी कि खा जाता है, ओके। लेकिन साइन क्या कर रहा है, साइन माइनस को बाहर फेंक रहा है यानी कि ये उल्टी कर रहा है, ठीक है, इसको ये हजम नहीं हो रहा है। तो साइन क्या करता है, साइन माइनस की उल्टी कर देता है, इसको डाइजेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ये जैसे माइनस देखेगा ये बोलेगा तू बाहर निकल, ये रखेगा ही नहीं अंदर। तो साइन माइनस की उल्टी कर देता है, ये इस तरीके से हमको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स 0 कहां पर होता है, साइन एक्स 0 कहां पर होता है, तो क्या आंसर होगा आपका। देखिए साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं हम, साइन एक्स क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां पर देखिए साइन एक्स क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है।
तो साइन एक्स जीरो कहां पर होगा, जहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहां पर है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहां पर है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर जीरो होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो इस सर्कल के लिए कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, ऐसे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक, ये दोनों पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर इनके कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आएंगे उनके साइन की वैल्यू जीरो होगी। क्या बोला मैंने, खुद से रिपीट कीजिए, एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल्स होंगे उन पर साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो देखिए एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, जीरो डिग्री, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, पाई, फिर घूमकर यहां पर आएंगे तो टू पाई, फिर वापस यहां जाएंगे तो थ्री पाई, फिर वापस यहां जाएंगे तो फोर पाई, फिर फाइव पाई, सिक्स पाई, यानी कि एन पाई, यानी कि एन पाई पर साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। देखिए मैं फिर से समझाता हूं आपको, जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है, ठीक, ये वही यूनिट सर्कल है, हमको देखना है कि साइन एक्स जीरो कहां पर है। तो साइन एक्स वहां पर जीरो है जहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो वाई कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पर जीरो है। तो इस एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, इस एक्सिस पर जीरो आएगा, फिर इधर जाएंगे तो पाई आएगा, फिर वापस घूमकर आएंगे तो टू पाई आएगा, फिर वापस जाएंगे तो थ्री पाई आएगा, फिर वापस यहां आएंगे तो फोर पाई आएगा, फिर इधर फाइव पाई आएगा। ठीक, ऐसे अगर हम उल्टा घूमें, उल्टा भी घूम सकते हैं क्योंकि एंगल तो नेगेटिव हो सकता है, अगर हम उल्टा घूमें तो यहां पर माइनस पाई आएगा, फिर यहां पर आएंगे तो माइनस टू पाई आएगा, फिर यहां आएंगे तो माइनस थ्री पाई आएगा, फिर यहां आएंगे तो माइनस फोर पाई आएगा, यानी कि ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक एन पाई पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब साइन एन पाई क्या होगा, जीरो होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, यहां पर आप n की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो और उसको साइन के अंदर रख दो तो वो वैल्यू जीरो दे देगा। ठीक है, जैसे कि 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, कोई भी इंटीजर रखो, नेगेटिव में रख दो, माइनस 11 पाई, माइनस 12 पाई, माइनस 13 पाई, ये जो सारे एंगल है ये सब हमको इस x एक्सिस पर मिलेंगे और उन पर साइन x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। इसको मैं यहां पर ऐसे भी लिख देता हूं, साइन एन पाई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस एक्स जीरो कहां पर होगा, कॉस एक्स जीरो कहां पर होगा। तो देखिए कॉस एक्स जीरो कहां पर होगा, कॉस एक्स क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कहां पर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आएंगे उन एंगल पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आएंगे, देखिए एक्स एक्सिस पर आएगा हमारा पाई बाई टू, देखिए मैं यहाँ पर फिर से सर्कल बनाकर लिख देता हूँ ताकि होच पोच ना हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आएंगे, पाई बाई टू, फिर वापस घूम के यहाँ आएंगे तो थ्री पाई बाई टू, फिर वापस जाएंगे तो फाइव पाई बाई टू, भैया टू पाई, यहाँ तक वापस इस तरीके से पूरा चक्कर काट के यहाँ आएंगे टू पाई, टू पाई प्लस पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, उसके बाद वापस यहाँ आएंगे तो फाइव पाई बाई टू प्लस पाई, ये कितना है पाई, तो ये हो जाएगा सेवन पाई बाई टू, ऐसे ही फिर वापस जाएंगे तो नाइन पाई बाई टू। ठीक, ये तो हम घूमें इस डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन में घूमें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, फिर ये माइनस फाइव पाई बाई टू। तो इसको हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, जब आप n की यहां पर इंटीजर वैल्यू रखना शुरू करोगे तो आपके पास ये सारे एंगल्स आ जाएंगे जो x एक्सिस पर लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और जिन पर cos की वैल्यू जीरो हो रही है। क्लियर, तो ये आपको जनरल रिजल्ट दोनों के लिए याद रखना है, वेयर n इज एन इंटीजर। क्लियर हुआ, और इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा इस वर्ड को, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और उसका सिंपली मीनिंग क्या है, ये 2n प्लस 1। इवन मल्टीपल का मतलब क्या है, 2n से मल्टीप्लाई करना, और ऑड मल्टीपल का मतलब क्या है, 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर, तो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गए तीनों नोट, ये तीनों नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्लियर,
अब इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि जो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, पहले तो हम सारी वैल्यूज की एक टेबल बनाएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वगैरह सबकी, जो वैल्यूज हमने पहले पढ़ रखी हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके बाद जो हमने वैल्यूज अभी आज सीखी है, क्या सीखी है हमने, पाई, 3π/2 और 2π, ठीक है। तो इन सबको मर्ज करके हम एक लॉन्ग टेबल बनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये कब कब पॉजिटिव होते हैं और ये कब कब नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और उसके भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी, क्लियर। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू।